नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर हैं म्यूजिक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आज हमारा टॉपिक है कि हारमोनियम आखिर काम कैसे करता है, हारमोनियम के फंक्शन और उसके पार्ट्स के जो नाम आज हम बताएंगे। तो मेन जो फंक्शन है कि हारमोनियम की ध्वनि कैसे प्रोड्यूस करता है, आखिर हवा प्रवेश करने से किधर से हवा प्रवेश होती है और किस तरह से ध्वनि हारमोनियम जनरेट करता है, कैसे ध्वनि इसके अंदर उत्पन्न होती है, तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो हम साथ के साथ इसके जो इससे पुर्जे हैं उनके नाम भी हम सीखते जाएंगे, उनके काम भी साथ साथ में हम बताते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हारमोनियम लिया है मैंने, टू लाइन हारमोनियम है, बास मेल। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी से हम जानेंगे कि क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं। दोस्तों, हारमोनियम हवा के वेग से ध्वनि उत्पन्न करता है और उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है और उसी से आदमी मनोरंजित होता है और प्रफुल्लित होता है, उसको आनंद मिलता है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं, ये इसका एक्सटर्नल वाल है हारमोनियम का। यहाँ से जब आप एक्सटर्नल वेलो, वाल भी दो होंगे, एक एक्सटर्नल वाल जो यहाँ पर है लेदर का जो लगा है, हवा को जब हम प्रेस करते हैं तो हवा इसके खोलते हैं तो हवा अंदर जाती है और प्रेस करते हैं तो हवा को ये पैक कर देता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल वाल, ये हो गई वेलो, ये भी हम एक्सटर्नल बोलेंगे, एक इसमें अंदर इंटरनल है। तो जब आप इसको ऐसे पंप करोगे तो ये वेल्व खुलेगी, पैक होगा, अंदर हवा जाएगी। जब अंदर ये हवा जाएगी साउंड बॉक्स में या रीड बोर्ड दोनों से जो पैक होता है, साउंड बॉक्स में ये हवा जाएगी। तो मैं साउंड बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ, नज़दीक से दिखाइए। यहाँ भी एक इसके अंदर वाल लगा है जो हवा एक्सटर्नल वेल्व से होती हुई साउंड बॉक्स में प्रवेश करती है, जो हवा एक्सटर्नल वेलो से प्रवेश करती हुई साउंड बॉक्स में प्रवेश करती है उसको ये इंटरनल वाल जो यहाँ पे लगा है इसके अंदर में, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अंदर में है रहता है इसके अंदर में, सेम इसी तरह का एक छोटा वाल लेदर का लगा है, वो उस हवा को वहीं रोकता है। और हवा को रोकता है मतलब जो इंटरनल वेलो है वो उसमें हवा जमा होती है, एक्सटर्नल वेलो से होती हुई पूरी हवा इंटरनल वेलो जो इसके नीचे की तरफ है उसमें जमा हो जाती है। जमा होने के बाद उस हवा को स्पेयर भी किया जा सकता है या फिर वो हवा आती है फिर सीधी साउंड बॉक्स में, जो रीड बोर्ड और नीचे का जो जो एरिया है इसको हम साउंड बॉक्स बोलेंगे, इसमें पूरी हवा रहती है जमा। हवा कब रहेगी, उसको जमा भी किया जा सकता है और रीड सीधा रीड से टकराएगी वो हवा, ये रीड लगी हुई है जिसमें किसी भी जब आप जिस चाबी को दबाएंगे उस चाबी से होती उसी रीड से प्रवेश करेगी। और इसमें एक नज़दीक लाओ, इन जो रीड्स हैं इनके साइड से होती हुई ये जो इसके ऊपर स्प्रिंग टाइप का लगा है इसमें कंपन उत्पन्न होंगे, दोनों दो अगर दो लाइन का या थ्री लाइन का तीनों एक साथ बजेंगी एक ही स्केल पर रहेंगे तो इनमें कंपन उत्पन्न होगा और उसी से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो वो एक अच्छा साउंड अगर मिक्स में दो या तीन लाइन का है तो जनरेट होता है जो आनंदित करता है। अब आते हैं हम दोस्तों, ये हो गया इंटरनल वेलो नीचे है। अब यहाँ पे कुछ है, देखो पार्ट्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं जिनको मैं बाहर की तरफ से दिखाऊंगा। ये देखो स्टॉपर्स हैं, ये जो 1 2 3 4 5 5 स्टॉपर हैं और ड्रोन्स 1 2 3 4 5 ही ड्रोन्स हैं। तो इन दोनों का क्या है, अलग अलग काम मैं आपको बताता हूँ। स्टॉपर, अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे दो लाइन लगी हुई हैं, ये फर्स्ट जो ये रीड बोर्ड है, ये रीड बोर्ड है, ये पूरा रीड बोर्ड, इसमें जो खड़ी कंघी, दो कंघियाँ हैं इसमें, एक पड़ी हुई एक खड़ी, ये जो खड़ी कंघी है इसको सेपरेट करती है, ये दोनों अलग अलग, इनका दोनों का हवा का वेग, हवा दोनों सेपरेट सेपरेट रहती है और ये नीचे वाले भी सेपरेट। तो जब तक हम ये वाले को नज़दीक ये वाले स्टॉपर को हम नहीं खोलेंगे तब तक इस रीड कंघी के ऊपर हवा नहीं आएगी, तब क्योंकि नीचे हवा जमा है, जब इसको यहाँ से खोलेंगे तो इसके ऊपर हवा आएगी और अदरवाइज ये पैक रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सारे ड्रोन्स और स्टॉपर्स को कर देता हूँ बंद, देखो अब ये खुला है ये वाला, ये भी कर दिया बंद, अब इसमें पूरी हवा जमा हो गई है, देखो अब बिल्कुल नहीं दब रहा अंदर से और अभी इस छेद के माध्यम से हवा निकली है,
अगर मैं और दबाता हूँ अभी यहाँ से हवा निकली है, तो स्टॉपर का काम यह है कि पर्याप्त मात्रा में जहाँ रिक्वायरमेंट है उस रीढ़ के एरिया में हवा देना। जैसे आप पहली लाइन पे, अरे पहली कंघी पर हवा देना चाहते हो, दूसरी पे कितनी हवा देना चाहते हो, तो वो प्रचुर मात्रा में हवा प्रदान करती है नीचे जो सेकंड वेलो में या इंटरनल वेलो में जो हवा जमा है उसको। तो इसके फ़ायदे क्या हैं स्टॉपर्स के? स्टॉपर के एक तो फ़ायदे हैं दोस्तों, आप सेपरेट सेपरेट रीड को आप प्ले कर सकते हो। इसकी जो मेन काम कब आता है, जब हम लोगों को इसकी ट्यूनिंग करनी होती है, तो आप सिंगल सिंगल लाइन को बंद कर सकते हो। जैसे इसको बंद कर दिया तो ये लाइन बजती रहेगी, और एक लाइन को ट्यून कर लोगे पहले, फिर इसको कर लो तो उसको बजा सकते हैं, यानी सेपरेट सेपरेट लाइन को हम बजा सकते हैं। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने सारे स्टॉपर बंद कर रखे हैं, नहीं बज रहा है, लेकिन नज़र इधर लाओ। यहाँ से मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉपर है ये पड़ी हुई कंघी का है, और ये एक ही स्टॉपर है बाहर की कंघी का। ये यहाँ से दिखाओ, ये जो स्टॉपर है ये एक बड़ी वाली कंघी का है, यानी कि सॉरी मेल वाली कंघी का है, बास का नहीं है। तो अब हम इसको खोल देंगे, इस वाले स्टॉपर को मैंने खोल दिया। तो केवल एक ही लाइन जो फटी भार वाली कंघी है, मेल वाली कंघी, वो ही बज रही है। अगर अब मैं इसको बंद कर दूं इस स्टॉपर को, और मैं इसको खोलता हूं, अब ये बास वाली कंघी बज रही है। अब अगर मैं इसको खोल देता हूं, अब आगे वाली लीड बज रही है, और इसको खोलता हूँ, और जब हम इन दोनों को खोल देते हैं, इसको भी खोल देता हूँ, यानी कि दोनों लाइन एक साथ प्ले हो रही हैं। तो ये आपको स्टॉपर्स का समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इस नॉब्स की। ये नॉब्स है फिलहाल के लिए, क्या है, मैंने इनको इनका फंक्शन मैंने रोक रखा है। एक्चुअली ना इसका, अगर आपका हारमोनियम कपलर है या अच्छा प्ले हो रहा है, तो आपको नॉब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह से आप कहेंगे कि ये देखो ये वाला, ये नॉब्स हैं, अंदर से दिखाओ। ये मैंने इनको पैक कर रहा है क्योंकि यहाँ से हवा थोड़ा लीकेज होता रहता था, तो मैंने इनको बंद परमानेंटली लेदर से बंद कर दिया। इसका क्या है, यहाँ पे रीड लगी है, दिखाओ थोड़ा सा पीछे की तरफ। इस एरिया में एक एक रीड लगी हुई है, 1 2 3, ये ग्राम सुर हम इनको बोलते हैं। तो जब आप इस वाले यहाँ 1 2 3 4 5 ग्राम सुर लगे, तो ये अलग अलग स्केल के होते हैं, कि सी शार्प का होगा, कोई डी का होगा, कोई एफ शार्प का होगा, कोई एफ का होगा, अलग अलग नोट्स के होते हैं, ये एक साथ प्ले होते हैं। तो ये एक तरह से आप बोलेंगे कि कपलर का काम करेंगे, या फिर कपलर का ही काम करेंगे, आइए इसको एक खुला छोड़ देंगे तो ये प्ले होता रहेगा, साथ में फिर रीड प्ले होती रहेंगी। तो एक तरह से तीन लाइन, फिर एक साथ तीन रीड एक साथ प्ले होने लगती हैं, एक ग्राम सुर की, दो वैसी लाइन की, तो तीन रीड एक साथ प्ले होती हैं। तो ये नोब्स का काम हो गया, अलग अलग नोब्स अलग अलग स्केल के हैं। जैसे आप मध्य सप्तक में प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से खोल लेते हैं, तार सप्तक में प्ले कर रहे हैं तो इधर से किसी एक नोब्स को खोल लेते हैं, या फिर खर्ज में खोलना हो तो यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये नोब्स का कार्य हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये पूरा रीड बोर्ड है, इसमें अलग अलग रीड्स लगी हुई हैं। यहाँ पे ये कमानी आप बोलेंगे, या तो स्प्रिंग, ऐसे हिंदी में आप कमानी बोलते हैं, ये क्या करती है, नीचे की तरफ प्रेस करती रहती है, इसके नीचे लेदर लगे हुए हैं, तो ये क्या है, हवा को प्रॉपरली रोकने का काम करती हैं। तो ये जनरली इसके साइड में ये हैंडल लगे हुए हैं, और ये स्क्रू हैं बॉडी लॉक करने के लिए, रीड बोर्ड को लॉक करने के लिए। तो इन दोनों को जब हम लॉक कर देते हैं, तो फिर प्रॉपरली हवा अंदर साइड से निकलती नहीं है दोनों उससे। तो मोटा मोटी यही इसके फंक्शन थे और पार्ट्स के नेम थे, मैंने आपको बता दिए। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब थोड़ा डीपली एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।